हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल मैं हूं विक्रांत शर्मा बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इतने टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि कब क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी स्टार्ट होगी फाइनली सिक्स मार्च 2024 यानी कि आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने सारे जो क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स बैंक्स हैं बेसिकली उनको ये डायरेक्शन दिया है कि अब आपको कस्टमर की चॉइस का क्रेडिट कार्ड पे नेटवर्क प्रोवाइड करना होगा अब चाहे कस्टमर वीज़ा पे ले मास्टर कार्ड पर ले रुपये पर ले डाइनर्स क्लब पर लें या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस पे ले ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ और बताऊँगा कि आप अपना जो क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा विदाउट फर्दर डिले लेट्स केट इन टू द डिटेल्स इस बारे में जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने लास्ट नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें कहा था कि बैंक्स के जो क्रेडिट कार्ड इशूर्स होते हैं बेसिकली बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वो एग्रीमेंट करके रखते हैं पेमेंट नेटवर्क्स के साथ उसमें एक ऐसा एग्रीमेंट करके रखते हैं कि अगर आप हमारे नेटवर्क पर अपने क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं तो आप ऐसा ही कोई एग्रीमेंट किसी और बैंक जो पेमेंट नेटवर्क है उसके साथ नहीं करेंगे तो मान लीजिए कि एक्स बैंक है उसने वाई पेमेंट नेटवर्क के साथ एग्रीमेंट कर रखा है तो कई चांसेस में यह होता था कि वो जेड जो एक पेमेंट नेटवर्क है उसके क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पाता था उस नेटवर्क पे, बट अब ये कंडीशन हट गई है इस नोटिफिकेशन में साफ साफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जब अब ये जितने भी बैंक्स हैं या नॉन बैंक्स हैं जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं तो जब ये किसी पेमेंट नेटवर्क जैसे कि वीज़ा मास्टर कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस इनके साथ कोई एग्रीमेंट करेंगे कि हम आपके नेटवर्क पे अपना क्रेडिट कार्ड इशू करना चाहते हैं तो ऐसा कोई एग्रीमेंट वो नहीं कर पाएंगे जिसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए कि सेम बैंक किसी अदर नेटवर्क पर सेम कार्ड को इशू ना कर पाए तो अब से ये प्रोहिबिटेड है यानी कि ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती तो अब बैंक चाहे किसी भी नेटवर्क के साथ अग्रीमेंट कर सकता है और फिर सेम कार्ड को उस नेटवर्क पे इशू कर सकता है अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो क्रेडिट कार्ड इशूअर्स हैं वो कैसे अपनी पसंद का क्रेडिट कार्ड पे नेटवर्क चूज करेंगे अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है वो वीज़ा पे है या मास्टर कार्ड पे है बट आप उसको रुपए पे लेना चाहते हैं तो कैसे आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं इसके लिए पूरा का पूरा प्रोसीजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है जिसमें बताया गया है जो पॉइंट थ्री है उसका क्लॉज बी इसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि जब जो एलिजिबल कस्टमर्स होंगे जब वो अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई uh, करेंगे तो उस टाइम पे उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इसे किस नेटवर्क पे लेना चाहते हैं जैसे कि फ़िलहाल आप जानते ही होंगे जब टाटा न्यू एस डी क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उसको रुपए नेटवर्क पे लेना चाहते हैं या फिर मास्टर कार्ड पर लेना चाहते हैं तो ऐसा ही ऑप्शन अब आपको हर क्रेडिट कार्ड पे ये मिला करेगा कि आप अपनी पसंद का नेटवर्क चूज़ कर पाएंगे वैसे एस डी एफ सी का जो टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड है यू पी आई पेमेंट्स के लिए अच्छा है और ये आपको रुपए भी मिल जाता है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं तो ये तो बात रही नए कस्टमर्स के लिए कि जब नए अप्लीकेशन लगाएंगे आप क्रेडिट कार्ड के लिए तो आपको कैसे अपना नेटवर्क चूज़ करना है बट वॉट अबाउट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स तो उनको ये ऑप्शन दिया गया है कि जब आपका क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल पे होगा यानी कि मान के चलिए आपके क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी डेट 2024 है तो अगर 2024 में आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो रहा है तो उसके रिन्यूअल से पहले आपको ऑप्शन दिया जाएगा अपने क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क चेंज करने का अगर आपका क्रेडिट कार्ड ड्यू नहीं है रिन्यूअल के लिए तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा एंड सबसे बड़ी कंडीशन ऐसा नहीं है कि आज आप एच बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं और आप आउट मांग कर देते हैं कि मुझे तो ये अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क पर चाहिए अगर अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ एच का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आप एच से उस क्रेडिट कार्ड को अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क पे क्लेम नहीं कर सकते तो सबसे बड़ी कंडीशन है कि एटलीस्ट जो आपका बैंक है उसका एग्रीमेंट उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड जो पेमेंट नेटवर्क है उसके साथ होना चाहिए मान के चलिए एस बैंक है और आप उससे डिमांड कर रहे हैं कि मुझे तो आपका क्रेडिट कार्ड डाइनर्स क्लब पे चाहिए और जबकि उन दोनों का आपस में कोई एग्रीमेंट है ही नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होगा आपको ऑप्शंस उन्हीं नेटवर्क्स के मिलेंगे जिनके साथ बैंक ऑलरेडी एग्रीमेंट में है जैसे कि आई सी बैंक आई सी बैंक के क्रेडिट कार्ड आपको रुपए मास्टर कार्ड वीज़ा एंड अमेरिकन एक्सप्रेस इन सभी पर मिल जाते हैं तो अगर आप आई आई बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर अपनी पसंद का जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट नेटवर्क है इसको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा अदरवाइज नहीं पॉइंट नंबर फोर में आर ने साफ साफ कहा है बैंक्स को एंड कार्ड नेटवर्क को कि नेक्स्ट टाइम जब आपका अग्रीमेंट रिन्यू होने वाला होगा तो आपको अगर ऐसा अभी तक कोई कंडीशन लगा रखा था उसको आपको रिमूव करना होगा और अगर फ्रेश आप कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं अपना बैंक पेमेंट नेटवर्क के साथ कार्ड नेटवर्क के साथ तो उनको ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाने से बचना है यानी कि आपको जो बैंक्स हैं उनको फ्रीडम देनी है कि वो अलग अलग कार्ड नेटवर्क्स के साथ अग्रीमेंट कर सके और कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड कर सके कि वो अपनी पसंद का जो कार्ड नेटवर्क है उसको चूज़ कर सके तो पोर्टेबिलिटी के लिए आपको दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी या तो आप क्रेडिट कार्ड का नया एप्लीकेशन लगा रहे हैं नया आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तब आप चूज़ कर सकते हैं या फिर जब आपका कार्ड एक्सपायर होने के बाद रिन्यूअल पे होगा यानी कि अगर आप रिन्यू करा रहे हैं उसको तब आपको नेटवर्क चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा पॉइंट थ्री क्लॉज बी की जो कंडीशन है वो उन बैंक पे नहीं लगेगी जिनका क्रेडिट कार्ड का बेस दस लाख से कम है यानी कि अगर बैंक के पास दस लाख ,00 ,00 से कम क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं तो उनको इन कंडीशंस को फुलफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब बिजनेस इतना बड़ा नहीं है तो किन किन के साथ वो अग्रीमेंट को फॉलो करेंगे और कितना वो एक्सपेंडिचर करेंगे चेंज करने में एंड न्यू नए नेटवर्क्स ने पे कार्ड इशू करने पे तो इनको ये एक छूट मिली है जिन बैंक के पास दस लाख से कम क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं तो उन पर ये कंडीशंस नहीं लगेंगी पॉइंट नंबर सिक्स में ये बताया गया है कि वो बैंक्स जो अपने ही क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पे क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं उन पे ये कंडीशन नहीं लगेगा जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस सिर्फ अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क पे ही अपने क्रेडिट कार्ड इशू करता है अमेरिकन एक्सप्रेस एक बैंक है और उनका खुद का ही एक पेमेंट नेटवर्क है दैट इज़ अमेरिकन एक्सप्रेस तो अमेरिकन एक्सप्रेस से आप ये क्लेम नहीं कर सकते तो मुझे तो आपका क्रेडिट कार्ड रुपये पे चाहिए क्योंकि मुझे यू पेमेंट करनी है तो ऐसा नहीं होगा अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे बैंक्स को जो अपने ही आ, अपना पर्सनल जो कार्ड नेटवर्क है वो इशू करते हैं उन पे ये कंडीशंस नहीं लगेंगे अब रही बात ये एप्लीकेबल कब से होगा जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके छः महीने के अंदर मैक्सिमम जो पीरियड दिया गया है वो छः महीने दिया गया है यानी कि आज से छः महीने जब पूरे हो जाएंगे तब से ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा तब तक उनको सारे अपने अरेंजमेंट कर लेने हैं रिन्यूअल के न्यू एग्रीमेंट्स एट्सेट्रा तो इसका जो इफेक्टिव डेट होगा तो मान के चल सकते हैं सिक्स सेप्टेम्बर टू से ये रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे तो इन रूल्स का जो अडेरेंस है इन बैंकिंग uh, कंपनीज़ uh, को और जो नॉन बैंकिंग कंपनीज़ हैं जो क्रेडिट कार्ड इशू करती है उनको इसको फॉलो करना पड़ेगा बस दो ही तरीके के बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को इन कंडीशन से छूट मिली है जो अपने ही नेटवर्क पे कार्ड इशू करते हैं फॉर एग्जांपल अमेरिकन एक्सप्रेस एंड जिनके पास 10 लाख से कम क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं तो ये है इंटरप्रिटेशन इस पूरे नोटिफिकेशन का वो डू यू थिंक अबाउट इट आप कौन से कार्ड नेटवर्क पे अपना क्रेडिट कार्ड कन्वर्ट करना चाहेंगे एंड वाई डू मैंशन इन द कॉमेंट सेक्शन आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमेशा देखते रहना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज यहाँ पर एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट आपको हमेशा मिलता है so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा बाय बाय